नमस्कार, डीटीवी भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष। देखिए, चुनावी प्रचार करके तारापुर से पटना लौट रहे हैं नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव। ये तस्वीरें देख सकते हैं, पटना के बीएमपी ग्राउंड की है, जहां पर तेजस्वी यादव जो है चुनावी सभा संबोधित करने के बाद पटना पहुंचे। देखिए, उनका जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ उतरा है। कल लालू प्रसाद यादव के साथ वापस चुनावी सभा करने तेजस्वी यादव जाएंगे। देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत पर कि किस तरीके से तेजस्वी यादव जो हैं वो चुनावी सभा को करके, दो दिवसीय सभा थी, कल वो पटना से तारापुर रवाना हुए थे और आज वापस तारापुर से पटना लौटे हैं। देखिए, जो उनका हेलीकॉप्टर है वो लैंड किया है। देख सकते हैं तस्वीरें एक्सक्लूसिव डीटीवी भारत पर। तेजस्वी यादव जो है वो पहुंच चुके हैं। ये तब देख लीजिए, सुरक्षा है वो भी आ चुकी है और तेजस्वी यादव अब बाहर निकलेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। दो दिवसीय चुनावी दौरा था तेजस्वी यादव का, वो करने के बाद पटना लौटे हैं तेजस्वी यादव। देंगे, खुद देंगे, आ जाएंगे, अपने आ जाएंगे। देखिए, उनकी गाड़ी जो है वो भी आके लग गई है और अब तेजस्वी यादव बस पहुंचने ही वाले। जायजा लिया। देखिए, कल लालू यादव जो हैं वो चुनावी सभा करेंगे पहली बार। लालू यादव जी हैं, हेलीकॉप्टर से वो जाएंगे। लालू जी कल्याण, दो जगह तारापुर कुशेश्वर स्थान में एक एक सभा जो है वो रखा गया है और हमको लगता है कि दोनों जगह जो है ऐतिहासिक जनसभाएं होंगी और हो सकता है वो जनसभा नहीं बल्कि रैला का रूप जो है वो ले ले। आप खुद कई दिनों से घूम रहे हैं, क्या घूम रहे हैं? हम लोग तो निश्चिंत हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है और आशीर्वाद जो है आप सब लोगों के सामने 2 तारीख को आ ही जाएगा। मैंने 90 के दशक में जो रैला होता था वही रैला होगा क्या? अरे भाई, अब जाके आप लोग, हम तो कहेंगे गवाह होइए। ऐतिहासिक जनसभा जो होने जा रहा है उपचुनाव, 6 साल बाद जो है जनता को संबोधन करेंगे, संवाद करेंगे, तो इस ऐतिहासिक जनसभा में आप सब लोग भी भागीदार रहिए। नीतीश कुमार कल कह रहे थे कि सड़कों के हालात को देखिए, अकेले नीतीश कुमार का छक्का छुड़ा रखा है, पसीना छुड़ा रखा है और हम आकर के अंत में कील भी ठोक देंगे अंतिम रूप से। भाई, 70 से 40 साल आ गए तो आ ही गए, इसमें किसी से छुपा थोड़ी ना, तीसरी नंबर की पार्टी है ना भाई, कोई छुपा हुआ है? ये तो सब देख ही रहे, विधानसभा में कोई जवाब कहाँ रहता है इनको? कई बार हम आमने सामने हुए हैं, जो बहस हुए हैं, जिन सवालों को, जिन बातों को हमने रखा है, नीतीश कुमार जी के पास तो कभी कोई जवाब रहा ही नहीं। आप मेरा पहला भाषण अगर आप याद करें एज अ नेता प्रतिपक्ष, तो जो बातें हमने कही थी
उसके बाद नीतीश जी का संबोधन हुआ तो नीतीश जी बोले हम आगे बताएंगे आगे बताएंगे, 10 मिनट में अपना भाषण उनको खत्म करना पड़ा। अच्छा नीतीश कुमार कल कह रहे थे कि हालात देखिए सड़कों के बिजली के, क्या हमसे कोई कंपटीशन करेगा, हमने कितना कुछ बदल दिया है। अरे नीतीश जी ने काम कुछ किया नहीं, तो जिसकी जैसी दृष्टि वैसी उनको सृष्टि नजर आ रहा है, समझ रहे भाई। कभी जाके बोले इतना महंगाई आज तक नहीं रहा, इतना बेरोजगारी अब तक नहीं रहा, कुछ ईश्वर स्थान में झूठ बोल करके आए, कहीं सड़क है ही नहीं भाई। अभी वीडियो हम रिलीज करेंगे, मेरा हेलीपैड जो है कैसे कैसे अलग है पानी में से, फिर हम लोग जो है मंच पे जा रहे हैं, रिलीज करेंगे दिखाएंगे। और जो एक स्कूल है बोलते कि 12वीं तक की पढ़ाई कराई जा रही है, आज तक 12वीं तक की कोई क्लास ही नहीं हुआ रखी गई, केवल पेपर पे, केवल भ्रष्टाचार, केवल लूट, अपराध बढ़ा। हमने तो कई बार बजट सेशन में हमने विस्तार रूप से कंपेयर किया 1990 से लेकर 2005 का, और 5 से लेकर के आपका 18 तक का, तो कोई जवाब तो मिला नहीं। हालांकि नीतीश कुमार जी तो देश के सबसे शर्मीले मुख्यमंत्री हैं, उनको शर्म आती है बेरोजगारी पे बात करने में, कारखानों के बारे में बात करने में, महंगाई के बारे में, शिक्षा चिकित्सा के बारे में, बताए ना आखिर, उन्होंने तो कोई जवाब दिया नहीं। जब हम बोल रहे हैं कि अगर उपचार हो जाता, इलाज हो जाता तो बाय इलेक्शन नहीं होता, कहाँ को जवाब मिला। एक तेजस्वी जी आर के सिन्हा जो सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि लालू यादव को हल्के में नहीं लेना चाहिए, कहते हैं वो सही कहते हैं। लालू यादव ने कहा कि दोनों सीट जीत रहे हैं, यानी कि मान लिया जाए कि आरके सिन्हा ने जो कहा है बीजेपी के वो सांसद है, आरजेडी के लिए लालू यादव के लिए इतनी बड़ी बात कही है उन्होंने। जब जनता मन बना ली है, कौन क्या कहता हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, हम अपने काम को जानते हैं, जनता ने क्या मूड बनाया है जा करके पता चलता है। कुछ लोग तो हवा से ही लौट के आए ना, हम तो वहाँ बाय रोड भी घूमे और हेलीकॉप्टर से भी घूम रहे हैं नीचे से ऊपर, कुछ लोग तो नीचे घूमे नहीं, हमने तो चैलेंज किया था घूम के। तो साफ तौर पर तेजस्वी यादव जो है उन्होंने घूम के दिखाया और अब तस्वीरें दिखा रहे हैं, यही वो हेलीकॉप्टर है जिससे लालू यादव कल सुबह निकलेंगे और दो चुनावी जो तेजस्वी यादव चुनावी सभा करके वापस लौट गए हैं। और ये देखें, ये वही हेलीकॉप्टर है जिससे कल लालू प्रसाद यादव चुनावी सभा करेंगे, दोनों जो सीट है तारापुर और कुशेश्वर स्थान वहां पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और इतना ही नहीं, आप ये दूसरी तरफ देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो अब पटना आ गए हैं और कल लालू प्रसाद यादव के साथ जो रैली होगी उसमें शिरकत करेंगे। और ये तस्वीरें देख रहे हैं वेटनरी ग्राउंड की है, और एक तरफ तेजस्वी यादव और दूसरी तरफ ये वही हेलीकॉप्टर है जिससे तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव संबोधित करेंगे कल दो जगहों पर, जो जनसभा है उसको संबोधित करेंगे। ये तस्वीरें देख रहे हैं एक्सक्लूसिव आप DTV भारत पर। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, जब आप देख रहे हैं कि क्या तस्वीरें हैं, और आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके की स्थितियां रहेंगी। हालांकि फिलहाल जो देख रहे हैं लालू तेजस्वी यादव पहुंच गए हैं और कल इसी हेलीकॉप्टर से करीब 10 बजे रवाना होंगे, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं लालू प्रसाद यादव वो भी रहेंगे। और कल दो जगहों पर जो रैली होनी है उसको भी वो संबोधित करेंगे। और कल एक नई रणनीति जो होगी वो लालू प्रसाद यादव की नजर आएगी। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।